चित्तवक् धम्मपद का चित्तवक् की गाथा नंबर कथा नंबर 40। ये सावित्री की कहानी है, गाथा है, कथा है। एक बार हुआ यूं कि 500 जो भिक्खु थे उन्होंने तपज्जा ली, उन्होंने धन ग्रहण किया भगवान बुद्ध से, विपस्सना साधना सीखी, धम्म में कैसे रत रहते हैं ये विधि सीखी, और उसके बाद वो एक स्वच्छ और अच्छे स्थान की खोज में सावित्री से काफी दूर चले गए। काफी दूर जाने पर उनको एक जगह बहुत उपयुक्त लगी और उन्होंने वहां अपना डेरा डाल लिया। वहां के जो अच्छे लोग थे, जिनको देवता बोलते थे, जो आसपास रहने वाले लोग थे, जो पंचशील का पालन करते थे, उनको लगा कि भिक्खुओं के यहां आने से हमारे जीवन में परेशानी आएगी, व्यवधान आएगा, हमें परेशानी होगी, भिक्खुओं को भी परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने वहां तरह तरह के बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे प्रयत्न किए, जिससे कि भिक्खु वहां से चले जाएं। भिक्खु भी इस बात को समझ गए और भिक्खु वहां से उठकर दोबारा भगवान बुद्ध के पास गए, वेदांत गु के पास गए, भगवान के पास गए, भंगी बुद्ध के पास गए। वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह वहां के लोगों ने जो सहयोग था वो नहीं किया और हमें वापस आना पड़ा। तब भगवान बुद्ध ने उनको करणीय मेत्त सूत्र के बारे में बताया और सिखाया और उनको कहा कि करणीय मेत्त सूत्र का वहां जाकर उपयोग करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसका पालन करें। करणीय मेत्त का मतलब होता है मैत्री के कर्तव्य, मैत्री के करने योग्य काम, यानी जिससे किसी से मैत्री होती है, ऐसे जिससे किसी से मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो कर्तव्य, वो काम, दोस्ती करने के नियम और दोस्ती करने के काम। वो वहां सारे सीखने के बाद उन्होंने वापस उस जगह जाकर अपने कर्तव्य का, जो दोस्ती के कर्तव्य थे, उनका पालन किया, वो उनकी प्रैक्टिस की, लोगों से उसी तरह का व्यवहार किया। वहां के लोग समझ गए कि इनसे अब हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। उन्होंने वहां ध्यान साधना की, लोगों ने उनका वहां ध्यान रखा। इस तरह करणीय मित्र सूत्र, जो करणीय मित्र जो पाठ था, उसका पालन कर, उसकी प्रैक्टिस कर भिक्खुओं ने ये कामयाबी ली। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 40 कही, जो इस प्रकार से है। कुंभ उपमंग काया निमंग विदित्वा नगर उपमंग चित्त मिदंग ठपित्वा योधेत मारंग पैया वुधेन चितंच रखे अनिवेशनो सिया। कुंभ उपमंग काया मिमंग विदित्वा। कुंभ उपमंग जो है वो है, कुंभ माने घड़ा होता है, मटका होता है, और उपमंग माने उपमा, यानी कि घड़े की तरह, घड़े की उपमा है, घड़े का उदाहरण दिया गया है कुंभ उपमंग। काया मिमंग, काया मिमंग का मतलब है काया इमंग, यानी कि जैसा काया जानकर, काया इमंग काया की तरह, विदित्वा, विदित्वा माने जानकर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे घड़ा जो होता है वो क्षण भंगुर होता है, उसकी जो काया होती है, उसका जो शरीर होता है वो क्षण भंगुर होता है और वो कभी ना कभी टूटना होता है, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर। नगर उपमंग, नगर उपम है इसका नाम, नगर उपमंग यानी कि नगर की तरह उपमा मानकर। नगर यहां शहर को भी लिया गया है और पहले जितने भी शहर होते थे वो सारे सारे किले में बंद होते थे या पहाड़ियों से घिरे हुए होते थे, तो नगर जितने भी थे वो उनकी एक बाउंड्री होती थी। इसलिए ऐसा जानकर जैसा किला होता है, यानी किले की तरह, नगर की तरह बिल्कुल सुरक्षित, उसकी उपमा दी है। चित्त मिदंग, चित्त मिदंग का मतलब है चित्त इदंग, यानी चित्त जो यह चित्त है उसको किले की तरह सुरक्षित। ठपेतवा, ठपेतवा माने रख कर, यानी कि ऐसा रख कर, ऐसा मानकर, जैसे ये जो चित्त है, ये जो मन है, एक किले की भांति सुरक्षित है। योधेत मारंग पैया वुधेन, योधेत, योधेत का मतलब है वो युद्ध करे, यानी कि युद्ध करें,
मारंग पहिया उधेन, पहिया उधेन का मतलब है प्रज्ञा के आयुध के साथ, यानी कि पहिया के शस्त्र के साथ, पहिया के जानकारी के साथ, ज्ञान और समझ के साथ में युद्ध करें। तब किससे करें? मार से करें, बुराइयों से करें। जितंच रखे अनिवेशनो सिया, जितंच रखे यानी कि जीतने के बाद उसको सुरक्षित रखें, रख रखाव रखें। कैसे? अनिवेशनो सिया, जैसे कि सोया हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी कि उसको जागृत रखें। ये पूरी जो गाथा है ये बहुत अच्छी गाथा है। इसका अगर हम हिंदी में एक सीधा सा मतलब बताएं तो इस प्रकार है, शरीर को घड़ा जैसा भंगुर जानकर चित्त को किले जैसा स्थिर करें, प्रज्ञा के आयुध से मार से युद्ध करें, जितने पर रक्षा वे अनाशक्त या अनिवासी होना चाहिए। यानी कि जैसा शरीर होता है मटके जैसा, जो कभी भी खत्म हो सकता है, क्षण भंगुर होता है, ऐसा शरीर को जानकर और जैसे किले की पहरेदारी करते हैं या किले की सुरक्षा करते हैं, किले में सुरक्षित रहते हैं, ऐसी सुरक्षा कर अपने चित्त की, अपने मन की, जिसमें बुराइयां ना आए, यानी जैसे बाहर से शत्रु नहीं आता है। इसका जो हिंदी में सिंपल साधारण अर्थ वो इस प्रकार है कि जैसे कुंभ होता है, घड़ा होता है, मटका होता है, जो कभी ना कभी फूटता है, क्षण भंगुर होता है, ऐसे ही शरीर को जाने कि शरीर कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होगा, खत्म होगा, बीमार होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। और जिस प्रकार शहर की रक्षा करते हैं, किले की रक्षा करते हैं बाहर के दुश्मनों से, ऐसे ही मन की रक्षा करें बुराइयों से, बुराइयों को मन के अंदर ना आने दें। जैसे शहर और किले के अंदर, नगर के अंदर जो दुश्मन है, डाकू है, वो नहीं आ पाते हैं। और प्रज्ञा और जो समझ है उसके साथ में बुराई से युद्ध करें, यानी कि समझ से देखते रहें कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है या ये चीज बुरी है, समझ के साथ में उसका युद्ध करते रहें। और जीत जाएं, जब बुराइयों से जब जीत जाएं तो उसकी रक्षा करें। इसी प्रकार से जैसे अनासक्त निवास करता है मन, जैसे बुराई अनासक्त रहती है, जैसे मन बिल्कुल अनासक्त रहता है, अनासक्त का मतलब है कि उसमें घुलमिल ना रहे, बुराई में ना रहे, उस प्रकार रक्षा करते रहें लगातार। ये इस पूरी गाथा का सार है। धन्यवाद। Time.